हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। सुमेरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ा हथियारों का जखीरा, 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अत्ताउर रहमान के आदेशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुमेरपुर उप अधीक्षक कानसिंह भाटी और सुमेरपुर पुलिस निरीक्षक गौतम जैन द्वारा 3 अलग अलग टीमों का गठन कर अवैध हथियारों के जखीरा का किया पर्दाफाश। पुलिस द्वारा हफ्ते भर की पूरी कार्रवाई में सुमेरपुर तखतगढ़ की पुलिस ने कुल 10 पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस और 9 मुलजिम को गिरफ्तार किया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर 3 अलग अलग टीमें गठित कर रविवार को मुखबिर की सूचना पर पाल्डी जोड़ तिराए पुलिया के नीचे से चेतन कुमार पुत्र हरिराम, जाति राज पुरोहित निवासी कारलू जसवंतपुरा व कानाराम पुत्र वीरा राम, जाति पटेल चौधरी निवासी अमरापुर रानीवाड़ा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं सुमेरपुर कस्बे से चिराग पुत्र हसमुख भाई, जाति पटेल निवासी उज्जा पुलिस थाना उज्जा गुजरात को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 अवैध देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसी प्रकार एक अन्य इतना पर श्रवण सिंह पुत्र भवर सिंह, जाति राजपूत निवासी बाकली पुलिस थाना सुमेरपुर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 अवैध देसी पिस्तौल एवं 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त हरि सिंह पुत्र शिव सिंह, जाति राजपूत निवासी परलाई पुलिस थाना पिंपवाड़ा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 पिस्तौल व 3 जिंदा कारतूस एवं मुलजिम हरिराम उर्फ हरीश पुत्र तुलसाराम देवासी निवासी रोजवाड़ा पुलिस थाना सुमेरपुर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन सभी मुलजिमों के विरुद्ध पूर्व में हत्या, लूट, डकैती, नकबबजनी के प्रकरण कई जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज है। अवैध पिस्तौल व कारतूस बरामद करने में मुख्य भूमिका कांस्टेबल रूप सिंह मीणा की रही। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।